बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 17 के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कम्प्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वही आप लोगों का क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड चलने वाला है, ठीक है? क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, ठीक है? क्या आपने क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? क्या और मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 16 के अंदर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने सब्स्टिट्यूशन कैसे लेनी है और सब्स्टिट्यूशन आपने कैसे लगानी है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 है वो आपसे क्या कहता है कि सॉल्व करें, एवेलुएट करें। इंटीग्रल आपके पास है dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर और कितना पावर 3/2 आपके पास। अब इसकी ना इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जब तक हम इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सिंपल आपके पास होता, जैसे आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx होता, तो हम इसको कह देते कि आपके पास क्या है, tan इनवर्स x + c के इंटीग्रेशन है। लेकिन इसकी पावर में आ जाए 3/2, तो क्या? और हमारे पास वो मेथड भी नहीं बन रहा कि पहले फंक्शन आके उसकी बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम पावर क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। बेस का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है, तो हमारे पास 2x का होना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो हम 2x से मल्टीप्लाई तो और डिवाइड तो नहीं कर सकते, सिर्फ हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन को यूज करना। सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये क्या गिवन है आपको, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर 3/2। लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपके पास प्लस आ जाए तो आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगेन बता देता हूँ कि आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, तो आपने क्या लेट करना है, x इक्वल टू a tan थीटा लेट करना है, ठीक हो गया? अब यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो एक ही जगह पे क्या आगे 1 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 1 tan थीटा। जो भी एक ही जगह पे वैल्यू आएगी आपने वो साथ लाजमी लेट करनी है। क्लियर हो गया? फिर हमें क्या चाहिए, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए। दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा dx, tan का डेरिवेटिव क्या होता है secant square थीटा के आगे d थीटा आगे, तो हमारे पास एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। जस्ट क्या करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दें, ये dx की जगह पे क्या आ गया आपके पास secant square थीटा और d थीटा, क्या कि हमने ये वाला dx, dx की जगह पे क्या पुट करते हैं secant square थीटा और d थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस x की जगह पे क्या लिख के हमने tan थीटा, ये क्या बन जाएगा tan square थीटा। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ कि secant square थीटा बराबर किसके होता है, प्लस secant square थीटा माइनस tan square थीटा बराबर किसके होता है, 1 के इक्वल, ठीक हो गया? ऐसे ना हमने यहाँ पे क्या बनाना, 1 प्लस tan square थीटा, माइनस का tan उधर जाके क्या बनेगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा secant square थीटा आ जाएगा। ये बन जाएगा secant square थीटा d थीटा वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा secant square थीटा और पावर क्या आ जाएगा 3/2, पूछे क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा secant square थीटा d थीटा और पावर में क्या आ जाएगा नीचे secant cube थीटा। क्लियर हो गया? एक secant, दो secant, दो secant से कट जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा, नीचे बटे में आ जाएगा आपके पास secant थीटा, ये रह जाएगा आपके पास 1 बाय secant थीटा d थीटा। secant थीटा किसका रिवर्स होता है, ये आपके पास secant थीटा रिवर्स होता है, ये आपके पास cos थीटा का, cos थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, sin थीटा प्लस क्या हो गया c हो गया आपके पास। क्लियर हो गया? c आपके पास क्या, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी अगर आपके पास क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में है तो आपने आंसर भी अलजेब्रिक फॉर्म में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में। तो कहाँ से कन्वर्ट करना है, मैंने कहा जब आप लेट करेंगे, क्या लेट किया आपने, x इक्वल टू tan थीटा, क्या x इक्वल टू tan थीटा आपने लेट किया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin थीटा की चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, sin थीटा की। तो अब जरा गौर कीजिएगा, tan थीटा हमारे पास गिवन है, x है, पहले हम क्या करेंगे secant थीटा की वैल्यू निकालेंगे, secant से cos से क्या निकालेंगे हम लोग, tan की वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं, ये हम लोग कैसे बनेगा आपके पास, कि आपके पास secant square थीटा इज इक्वल टू, या फिर आप cot निकाल लें इनके,
suppose that tan cot किसका होता है tan cot और theta किसके बराबर हो जाएगा 1 by x ठीक हो गया आपने क्या जाना cosecant theta cosecant square theta minus बराबर होता है 1 plus cot square theta के इसका एलसीएम क्या लेंगे 1 by x होल का क्या बन जाएगा square 1 plus 1 और x square आ जाएगा x square plus 1 divided by क्या आ गया x square आ गया तो ये आ गया आपके पास cosecant square theta taking square root on both side जब आप cosecant theta का square root लेंगे और इसमें always आप positive value लेके चलेंगे ठीक हो गया ये आपके पास आ जाएगा x square plus 1 और के बटे में क्या आ जाएगा x आ जाएगा हमें किसकी value चाहिए sin की चाहिए जब इसका हम reverse करेंगे sin of theta हमें पता है cosecant theta का reverse क्या होता है sin of theta तो ये answer क्या बन जाएगा x upon under root x square plus 1 तो ये वाली value क्या करते हैं इसको 1 का नाम दे दें तो put in क्या करते हैं 1 करते student put in 1 तो answer आपके पास क्या आ जाएगा sin theta की value क्या आ गई आपके पास x upon under root x square plus 1 साथ में क्या आ गया plus 1 आ गया तो ये आपके पास क्या हो गया question complete हो गया तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना हम इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ना थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है क्लियर हो गया तो कुछ भी नहीं जस्ट आपको सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट आना चाहिए जब सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट आपके पास आ जाएगा तो आपके लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ठीक हो गया ये क्वेश्चन नंबर हमारे पार्ट 9 का हो गया कंप्लीट हो गया सिंपल वे है जस्ट अगर क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म तो आंसर भी क्या आना चाहिए अलजेब्रिक फॉर्म में आना चाहिए क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास है जी dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x ठीक हो गया स्टूडेंट जस्ट क्या करें इसको सॉल्व करें आपके पास क्या आएगा आंसर यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे आप क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे जरा गौर कीजिएगा आपने देखना किसका डेरिवेटिव मौजूद है अब tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर होता है आपके पास क्लियर हो गया स्टूडेंट तो हम इस चीज को क्या करते हैं कि आपके पास 1 अपॉन क्या कर लेते हैं tan x tan इनवर्स x ये बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और साथ में क्या लगा देते हैं हम लोग dx लगा देते हैं क्लियर हो गया क्या कि सेपरेट किया क्यों किया तो देखते हैं लेट कर लीजिए लेट y क्या लेट करते हो स्टूडेंट जल्दी से बता दें u ले लें t ले लें कुछ भी ले लें u इज इक्वल टू tan इनवर्स x इसका एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लें आपके पास क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ x ये बन जाएगा du tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा dx आ जाएगा अब जरा गौर कीजिएगा ये आपके पास 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx इसके बराबर आ गया du के इक्वल आ गया सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए 1 अपॉन क्या tan इनवर्स x ये आपके पास बराबर 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx जरा गौर कीजिएगा क्या आपने tan इनवर्स को क्या लेट किया था u और ये वाली सारी की सारी चीज किसके बराबर है du के बराबर आ गया आपके पास क्लियर हो गया तो कौन सी फॉर्म बन गई ये नीचे फंक्शन ऊपर आपके क्या मौजूद है डेरिवेटिव मतलब जब आपके पास नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका क्या मौजूद हो डेरिवेटिव तो आपके पास क्या आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया प्लस सी आ गया ये भी क्या नीचे फंक्शन है ऊपर उसका क्या मौजूद है डेरिवेटिव तो क्या आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ यू प्लस क्या आ गया सम कॉन्स्टेंट यू को हमने क्या लेट किया था टाइम इनवर्स x प्लस क्या आ गया स्टूडेंट c आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया सॉल्व हो गया जस्ट आपको टेक्निक आनी चाहिए कि हमने कब कैसे सॉल्व करना है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 6 को अच्छे से ले लीजिएगा देन आप लोग टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है कि आपके पास है अंडर रूट 1 प्लस क्या आ गया x डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 माइनस x आ गया अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई है कि जब भी आपके पास अंडर रूट आ जाए तो आपने पहले क्या करना है रैशनलाइजेशन के कांसेप्ट की तरफ मूव करना है किसकी तरफ मूव करना है रैशनलाइजेशन के कांसेप्ट की तरफ अब रैशनलाइजेशन का कांसेप्ट आपको क्या कहता है कि अंडर रूट आपके पास 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस x से मल्टीप्लाई 1 प्लस x से क्या करते हैं डिवाइड रैशनलाइजेशन का कांसेप्ट क्या कहलाता है कि आपने जो डिनोमिनेटर पार्ट है ठीक है अगर डिनोमिनेटर पार्ट में ये दो ऊपर वाले से मतलब इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइड करना होता है कंजुगेट क्या होता है कि यहां पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई प्लस से डिवाइड अगर यहां पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करना होता है ठीक हो गया स्टूडेंट अब जरा गौर कीजिएगा ऊपर वाला तो क्या आ गया a प्लस b a प्लस b a प्लस b a प्लस b नीचे वाला क्या बन जाएगा a माइनस b और a प्लस b इसके बराबर होता है ऊपर वाला तो बन जाएगा आपके पास a प्लस
ऊपर नीचे वाला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर dx आ गया। अब जरा और की इसे वैसे कर देते हैं, अब जरा और की जगह ये वाली चीज तो क्या आ जाएगी कैंसिल, 1 प्लस x रह गया और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस क्या आ गया x स्क्वायर एंड dx आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ऊपर वाले को सेपरेट कर दिया था अंडर रूट, नीचे वाले का सेपरेट, ठीक हो गया तो अंडर रूट आ गया। अब आप क्या करें इसके एलसीएम को ब्रेक कर लें, क्या कर लें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस x अपॉन क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस क्या आ गया x स्क्वायर एंड dx आ गया। अब जरा और कीजिएगा, ये तो साफ पता लग रहा है किसका डेरिवेटिव है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसके बराबर ही होता है ना, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो हमें साफ पता लग गया कि आपके पास क्या आएगा साइन इनवर्स x आ गया प्लस अब क्वेश्चन इज दैट कि इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड dx, इसका ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस अगर अंडर रूट का ये ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और क्या आ जाएगा x dx आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, सेकंड टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बन रही है कि अगर फंक्शन है बेस का डेरिवेटिव देखा जाए 1 का 0 x स्क्वायर का माइनस 2 x आ गया, ठीक है वहां पे x मौजूद है किस चीज की कमी माइनस 2 की, तो हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लें और माइनस 2 से क्या करते हैं स्टूडेंट डिवाइड कर दें, साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 से डिवाइड किया आ गया आपके पास dx आ गया, साइन इनवर्स x आ गया प्लस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 तो ये आपके पास माइनस 2x क्या आ गया और dx आ गया, तो आपके पास जो माइनस 1 बाय 2 था उसे क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, माइनस 1 बाय 2 हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया, क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया c आ गया, क्यों क्योंकि हमारे पास जब बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर में हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 1 माइनस x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 बाय 2 बटे में भी क्या आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस c, ये आपस में कैंसिल साइन इनवर्स x माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर प्लस क्या आ गया c, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 11 क्या हो गया कंप्लीट सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान का क्वेश्चन है, जस्ट आपको टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन का अगर पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को जल्दी से नोट करें फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, 12 की तरफ मूव करते हैं जी, आपके पास sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास है 1 cos स्क्वायर थीटा एंड क्या आपके पास थीटा, अब जरा और कीजिएगा इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं, अब जरा और कीजिएगा नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक हो गया हमें पता है cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, ठीक है लेकिन डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास क्या कहता है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा होल का क्या कर सकते हैं स्क्वायर d थीटा आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा हम लोग लेट करने लगे हैं, लेट t इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं cos ऑफ थीटा, ठीक है अब हमें चाहिए एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करके cos ऑफ थीटा आ गया आपके पास dt cos का डेरिवेटिव क्या आता है - sin थीटा और क्या आपके पास d थीटा आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा ऊपर sin थीटा d थीटा है लेकिन क्या माइनस नहीं है, तो माइनस क्या करते हैं इधर ले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें d थीटा, तो हमने इस चीज को क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। अब जरा और कीजिएगा जैसे आपने क्या करना सब्स्टिट्यूशन पुट करने sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास ये 1 प्लस cos थीटा होल का स्क्वायर आ गया। अब जरा और कीजिएगा sin थीटा d थीटा किसके इक्वल आएगा माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos को हमने क्या लेट किया था d लेट किया था होल का क्या बन गया स्क्वायर, तो ये चीज आपके पास क्या बन गया माइनस बाहर आ गया dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आ गया t स्क्वायर आ गया। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है आपके पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स किसके बराबर होता है 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर होता है, ठीक हो गया तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे मतलब उसका इनवर्स लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस c आएगा, ठीक हो गया लेकिन यहाँ पे क्या चीज है t है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स t प्लस क्या आ गया c आ गया, तो t को हमने क्या ऐड किया हुआ था cos ऑफ थीटा प्लस क्या आ गया c आ गया, क्लियर हो गया तो
क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 का टोटल 22 क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट 2 or 3 लेक्चर्स के अंदर अपने एक्सरसाइज को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। पहले अगर स्टूडेंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व हो रहा है। सारी की सारी एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। जस्ट आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने सब्स्टिट्यूशन कहाँ, कब और कैसे करनी है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप नोट कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।